हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मेडिवीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे मोनटाज 125 mg इंजेक्शन के बारे में। तो आज हम दोस्तों वीडियो में आपको बताएंगे इसके उपयोग के बारे में, फायदों के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों बनी रही वीडियो में, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हम इस इंजेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों बनी रही वीडियो में, वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। और मेरी बात सुनिए दोस्तों, वीडियो को जो है पूरी जानकारी जो देखने के लिए वीडियो में, दोस्तों वीडियो को जो है शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की। जो दोस्तों मोनटाज 125 एमजी इंजेक्शन जो है, इसका प्राइस जो है ₹36 है, ठीक है। और इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जो है बनाया जाता है। और इस इंजेक्शन में दोस्तों सॉल्ट कंटेन है सेफिट्रोक्सोन 125 एमजी और टैजोबैक्टम 15.6 mg, ठीक है। दोस्तों दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस इंजेक्शन में डाला गया है, मोनटाज 125 एमजी इंजेक्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों मोनटाज इंजेक्शन का उपयोग जो है दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है हमारी बॉडी में, उसका उपचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए मोनटाज इंजेक्शन का उपयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों मोनटाज 125 एमजी इंजेक्शन जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज में मदद करता है। इसमें दो दवाएं शामिल हैं, सेफिट्रोक्सोन और टैजोबैक्टम। तो दोस्तों सेफिट्रोक्सोन जो है संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, और टैजोबैक्टम जो है बैक्टीरिया के खिलाफ सेफिट्रोक्सोन की गतिविधि को बढ़ाता है, और साथ ही एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया के प्रतिरोध को कम करता है। यह दवा आमतौर पर आपको कुछ दिनों के भीतर महसूस कराती है, लेकिन आपको बेहतर महसूस होने पर भी इसे निर्धारित अनुसार जो है लेना जारी रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी संक्रामक बैक्टीरिया जो है मारे गए हैं और प्रतिरोधि जो है हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं। ओके, और अब बात करते हैं दोस्तों मोनटाज इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों मोनटाज 125 mg इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात किया है, तो दोस्तों उनमें शामिल हैं दस्त, लीवर इंजाइम में वृद्धि, एलर्जी की प्रतिक्रिया और खरोंच, ठीक है। वैसे दोस्तों अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, और जैसे ही आपका शरीर जो है दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है तो साइड इफेक्ट भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट दोस्तों लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहे, आपको लंबे समय तक परेशान करे, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि मोनटाज जो है 125 एमजी इंजेक्शन है, ये किस प्रकार हमारी बॉडी में काम करता है। तो दोस्तों मोनटाज 125 एमजी इंजेक्शन जो है दो दवाओं का कॉम्बिनेशन डाला गया है, ठीक है दोस्तों, सेफिट्रोक्सोन और टैजोबैक्टम। तो दोस्तों सेफिट्रोक्सोन जो है एक एंटीबायोटिक है, यह बैक्टीरिया के सुरक्षात्मक आवरण के निर्माण को रोककर काम करता है, जो बैक्टीरिया के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और टैजोबैक्टम जो है एक बीटा लैक्टामेज अवरोधक है, जो प्रतिरोध को कम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ सेफिट्रोक्सोन की गतिविधि को बढ़ाता है। ओके, तो इस प्रकार ये हमारी बॉडी में काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों इस दवा को लेने से पहले जो है आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी स्वास्थ्य स्थिति के लिए कोई दवा पहले से ले रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले जो है अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, ठीक है। शराब पीने से बचें, क्योंकि इस दवा से अत्यधिक उनिंदापन हो सकता है। यह आमतौर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को भी ख़राब कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे आपको नींद आती है या फिर चक्कर आते हैं तो आपको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। ओके, और दोस्तों तेज़ी से ठीक होने के लिए आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए, साथ ही स्वस्थ आहार जो है लेना चाहिए और खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। आपके शरीर पर दवा के प्रभाव को जानने के लिए आपका डॉक्टर जो है कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह भी आपके करवा सकते हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों जानकारी मोनटाज 125 एमजी इंजेक्शन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी जो है सरल भाषा में समझ आ गई होगी। अगर आपको जानकारी दोस्तों बढ़िया लगी है, जानकारी समझ आ गई है, तो दोस्तों वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने जो है शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को देखा है और पूरा ध्यान से वीडियो को सुना है। ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल पर जो है प्यार बनाए रखिएगा। धीरे धीरे हमारा चैनल जो है ग्रो होना शुरू हो गया है, तो उसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।